सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं सीतापुर, आजम खान से मिलने पहुंचे हैं शिवपाल, जेल के अंदर आजम खान से की है मुलाकात। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने पहुंचे हैं जेल के अंदर, आजम खान से की है शिवपाल सिंह ने मुलाकात। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टेट की परीक्षा दे रहे छात्रों को लगा है बड़ा झटका। एसएस कॉलेज से सुबह 9 बजे यूपी में थी परीक्षा, प्रदेश सरकार ने पेपर लीक होने से परीक्षा की गई है रद्द, टीईटी के पेपर व्हाट्सएप पर हुआ है लीक, सरकार के फैसले से छात्रों में आक्रोश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको शाजापुर से बता रहे हैं, जहां टेट की परीक्षा दे रहे छात्रों को लगा है बड़ा झटका। एसएस कॉलेज में सुबह 9 बजे यूपी में थी आज ये परीक्षा, जो प्रदेश सरकार ने पेपर लीक होने से परीक्षा को रद्द कर दिया। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल पंप कर्मी की दबंगई आए है सामने, बाइक सवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कम पेट्रोल देने की बात पर हुई है कहा सुनी, पीड़ित ने पंप कर्मी के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। शुक्लागंज के भारत पेट्रोल पंप की है ये पूरी घटना, पेट्रोल पंप कर्मी की दबंगई आए है सामने, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। कम पेट्रोल देने की बात पर हुई थी कहा सनी, जहां पीड़ित ने पंप कर्मी के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। शुक्लागंज के भारत पेट्रोल पंप की है ये पूरी घटना। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, कूड़े में तब्दील हो रहा बाबूरी, पंचायत के लिए आया कूड़ा वाहन, सांसद महेंद्र नाथ ने दिया था कूड़ा वाहन, ग्राम पंचायत से कूड़ा वाहन की हुई थी व्यवस्था। बाबूरी कस्बे का है ये पूरा मामला, चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कूड़े में तब्दील हो रहा बाबूरी ग्राम, जहां पंचायत के लिए आया था ये कूड़ा वाहन, सांसद महेंद्र नाथ ने दिया था ये कूड़ा वाहन, ग्राम पंचायत में कूड़ा वाहन की हुई थी व्यवस्था। बाबूरी कस्बे का है ये पूरा मामला, चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कूड़े में तब्दील हो गया है ये कूड़ा वाहन, पंचायत के लिए आया था ये कूड़ा वाहन, सांसद महेंद्र नाथ ने दिया था ये कूड़ा वाहन, ग्राम पंचायत में कूड़ा वाहन की हुई थी व्यवस्था। बाबूरी कस्बे का है ये पूरा मामला, चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कूड़े में तब्दील हो गया, पंचायत के लिए आया था ये कूड़ा वाहन, सांसद महेंद्र नाथ ने दिया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो अजीत क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? मैम आपको मैं ये बता देती हूँ कि थानापुर में रात में ये मतलब कि मनु सिंह डब्लू जा रहे थे, और जाते ही समय मतलब कि एम्बुलेंस की खड़ी थी, उसमें मरीज भी था और पेट्रोल खराब हो उसमें नहीं थी पेट्रोल, जिसके कारण से मनोज सिंह डब्लू अपना गाड़ी रोक के उसको ढकेलने का काम किए, और योगी जी पर निशाना साधते हुए बोले कि ये तो सरकार निकम्बी सरकार होती चली जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, गड्ढा मुक्त हो चुका है यहाँ पर, यही सब गलत वर्ड का प्रयोग करते हुए उन्होंने बोला। अजीत आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो अजीत, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बाबूरी ग्राम में कूड़ा भंडार में पूरा बाबूरी कस्बे का पूरा ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें बाबूरी ग्राम जो है कूड़े में तब्दील हो गया है, तो उसमें किस तरीके की शिकायतें देखने के लिए मिल रही हैं, किस तरीके की व्यवस्था वहां देखने के लिए मिल रही है? मैं बता दूं कि बाबूरी गाँव में महेंद्रनाथ पांडे सांसद यहाँ के रह चुके हैं, और उन्हीं ने यहाँ के एक गाड़ी दिए थे, और लगभग 5 साल से निजी स्कूल में गाड़ी कूड़ा बनती चली जा रही है, जिसके कारण से गांव का सफाई या कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना कूड़ा उसपे डाला जा रहा है, उसपे कोई
नागरिक या कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा प्रतिनिधि। मामला संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? अभी कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है मैम जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।